परेशान है। हरिद्वार पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज और कांवड़ यात्रा से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जा रहे कि हरिद्वार में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है, भारी संख्या में यहाँ पर जो कांवड़िए हैं वो पहुंच रहे हैं और जो संख्या दर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। लोगों को परेशानियां इस कदर हो रही है, देखिए किस वजह से यहाँ पर जो लाइन है गाड़ियों की वो नजर आ रही है। हुजूम लोगों का उमड़ा है, कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। 2.5 करोड़ पहुंचा कांवड़ियों का आंकड़ा और ये अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ संख्या है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से यहां पर जो कांवड़िए हैं वो पहुंच रहे हैं, लंबा जाम यहां पर लगा हुआ नजर आया। तो देखिए तस्वीरें जहां कांवड़िए किस कदर लगातार जोश और उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इंतजाम पुख्ता तौर पर किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके संख्या दर इतनी है कि कहीं ना कहीं जो रेला है यहां पर शिव भक्तों का वो नजर आया है और जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है क्योंकि संख्या दर लगातार बढ़ रही है। 2.5 करोड़ के तकरीबन कांवड़िए अभी तक पहुंच चुके हैं और यह आंकड़ा अपने आप में चौंका देने वाला सामने आ रहा है। महावीर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। महावीर देखिए, जो शिव भक्तों का रेला नजर आ रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस कदर क्रेज है, 2.5 करोड़ की संख्या पहुंच गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कांवड़ियों की आमद लगातार बढ़ रही है उससे ये आंकड़ा और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने देखा कि कल हालांकि कांवड़ियों को पहुंचने की शुरुआत हुई थी और तकरीबन 68 लाख कांवड़िए एक ही दिन में आए थे, तो अब तक 2.5 करोड़ से ऊपर आंकड़ा जा चला है और आज जैसी स्थिति सुबह दिखाई दे रही है यह आंकड़ा 4 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद प्रशासन यहां पर जता रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि हाईवे पर कांवड़ियों की जो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। हाईवे को बंद भी रखा गया है यहां पर, हालांकि एक साइड को खोला गया है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो बसें हैं जो दूसरे वाहन हैं उनको डाइवर्ट करके शहर में लाया जा रहा है और फिलहाल पूरी तरह से शहर की जो हाईवे है उस पर डाक कांवड़ियों की एक तरह से कब्जा है और पूरी तरह से पूरा हाईवे कटा पड़ा है डाक कांवड़ियों से। जी बिल्कुल महावीर, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से सीसीटीवी लैस किए गए हैं और उन्हीं में से ये फुटेज भी सामने आ रहा है जहां पर किस तरीके से रेला लगा हुआ है सड़कों पर ये भी नजर आ रहा है, इंतजाम क्या कह रहे हैं प्रशासन द्वारा किए गए? देखिए क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस कांवड़ मेले की यही होता है, जो अंतिम चरण होता है आखिरी से 2 दिन जो होते हैं और डाक कांवड़ियों के होते हैं और डाक कांवड़ियों के क्योंकि उनको बहुत तेजी में हरिद्वार से जल लेकर निकलना होता है, एक निश्चित समय में अपने शिवालय की ओर का पहुंचना होता है, तो यही एक वजह होती है कि जो डाक कांवड़िए होते हैं वो आखिरी चरण में अपने यहाँ हरिद्वार से निकलते हैं, शायद यही वजह है कि बहुत ज्यादा स्थिति होती है। हालांकि इससे निपटने के लिए जो हरिद्वार प्रशासन है उसने अपनी तैयारियां पूरी की हुई है, जगह जगह पर पार्किंग बनाई हुई है और इसके वाहन है उनको उनके प्रवेश पर वर्जन, यानी कि इंतजाम पुख्ता तौर पर किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर के यहाँ पर क्रेज भी देखने को मिल रहा है, कांवड़िए पहुंच रहे हैं और अपने अपने गंतव्यों के लिए वो रवाना भी हो रहे हैं जल लेकर के, ये संख्या दर लगातार बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए महावीर। धर्मनगरी में शिव भक्तों का सैलाब है। हरिद्वार में सीएम धामी ने पुल पर कांवड़ियों की चरण वंदना की, हर की पौड़ी में पुष्प वर्षा की गई। सीएम ने कांवड़ियों का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया, शिव भक्त भी मुख्यमंत्री के खास अंदाज को देखकर खुश नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर देखिए चरण वंदना करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए और ये कांवड़िए बताए जा रहे हैं जिनकी चरण वंदना मुख्यमंत्री ने की है। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा भी की गई। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए तरियाजा, यहां से तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। ये 5 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जा देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर में दिख रहा है कि हरिद्वार में जब उनका आगमन हुआ, सीएम का जब हरिद्वार दौरा हुआ किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, दूसरी तस्वीर उसको लेकर के, और इसके अलावा शिव भक्तों के पैर धोए हैं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, चरण वंदना की, कांवड़ियों का अभिवादन किया और इसके बाद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई, फूल बरसाए गए जिससे जो कांवड़िए हैं
वो बेहद खुश नजर आए। शिव भक्तों की जो यहाँ पर जो रैला लगा हुआ एक तरह से हरिद्वार की जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद खूबसूरत है। धर्मनगरी पटी पड़ी है शिव भक्तों से और ओम नमः शिवाय बम बम भोले के जयकारों से जो पूरा आलम है वो कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। कावड़ यात्रा जोरों पर है, शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, शासन प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ का भव्य नजारा देखने को मिला है। यहां शिव भक्त अनोखे अंदाज में नजर आए, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई, सीएम धामी ने भी शिव भक्तों का अभिवादन किया। लक्सर की बात करें तो लक्सर में कावड़ के चलते भारी जाम नजर आया, हालांकि खासी मशक्कत के बाद इसे खुलवा लिया गया। रुड़की में 400 ड्रोन कैमरों की निगरानी से कावड़ यात्रा पर नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिली। तो ये चार तस्वीर बेहद अहम जहां भव्य कावड़ यात्रा को लेकर के ये तस्वीरें नजर आ रही है। पहली दो तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां पहली तस्वीर में भव्य नजारा देखने को मिल रहा है, तमाम जो गंगा घाट है वो इस वक्त केसरिया रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं लक्सर और रुड़की का नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम को लेकर के जमकर सियासत हो रही है, जहां एक ओर कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा कर रही है, वहीं बीजेपी